सासवा बेर निवासी महिला के परिजनों ने भरतपुर के जिंदल हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतका के भाई खेमचंद ने बताया कि उसकी बहन कुसुम शर्मा की पत्नी थी, जिसका ऑपरेशन करवाने के लिए उन्होंने अपनी बहन को भरतपुर के जिंदल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टर लोकेश जिंदल द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत खराब होने लगी, जिसका परिजनों ने जब शिकायत की तो चिकित्सकों ने उसे वेंटिलेटर पे रख दिया। शाम होते होते उसे ये कहकर रेफर कर दिया कि महिला की हालत अधिक खराब है, उसे जयपुर ले जाओ। जयपुर ले जाते समय भरतपुर से निकलते ही गांववासी के पास एम्बुलेंस में कार्यरत कंप्यूटर ने मृतका को चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया, जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन डॉक्टर राम कुमार सहित मेडिकल टीम में डॉक्टर प्रेम सिंह गोगा सहित तीन चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की। परिजनों का आरोप है कि जिंदल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की जान गई है। दिनांक 22 तारीख को बयाना राम कुमार जी के लिए हमने हमारे पेशेंट कुसुम को दिखाया, तो उन्होंने पथरी बताकर ये बोला कि इसको आप उच्चतम संस्थान के लिए ले जाइए। उन्होंने रेफर कर दिया तो हम उनको 22 तारीख को ही जिंदल अस्पताल ले गए। जिंदल अस्पताल में लोकेश जो जिंदल जी डॉक्टर साहब हैं न्यूरोलॉजिस्ट, उनको हमने दिखाया तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि इनके गुर्दे से नीचे जो यूरिन की नली है उसमें 11 mm की वो पथरी फंसी हुई है और इसका तो हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। 23 तारीख की उन्होंने हमको डेट दे दी ऑपरेशन की। हमने ऑपरेशन के लिए उनसे बोल दिया, मैं ठीक है आप कर दीजिए। तो 23 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन 9 से 10 बजे के बीच में किया। 10 बजे के बाद में जब पेशेंट को 12 बजे होश आया तो वो हाथ पैरों को उल्टा सीधा फेंकने लगा, उसकी एक्टिविटी सारी गलत लगी। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैं सर पेशेंट की स्थिति गंभीर है और वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, तो उन्होंने कहा बोला पेशेंट को जब ऑपरेशन होता है तो इस प्रकार की एक्टिविटी वो करता ही है, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, आप परेशान मत हो और ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। करीब 2 बज गए, फिर मैं दोबारा से गया तो उनके जो स्टाफ था, स्टाफ वालों ने कोई इंजेक्शन और ड्रिप लगा दी, बोला आप वेट कीजिए सही हो जाएगा। 3 बज गए, 3:30 हो गया, दोबारा फिर से गए तो उन्होंने चेकअप वगैरह किया तो शुगर लेवल 210 के पार बोला, शुगर 210, बीपी चेक किया तो बीपी डाउन आया और पल्स भी डाउन आई, तो मैं घबरा करके तुरंत डॉक्टर साहब के पास गया। मैं सर ये तो बहुत स्थिति गंभीर लग रही है और पेशेंट बार बार बोल रहा है, मेरा वो श्वास लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ पैर फेंक रहा है, तो उन्होंने कहा बोला चलो मैं दिखवाता हूँ। और 5:30 के करीब तकरीबन उन्होंने पेशेंट को हमारे को आईसीयू में शिफ्ट करवा दिया, बोला ठीक है इनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, इनकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। और 6:30 उन्होंने हमको बुलाया और बुला करके बोलते हैं, बोला पेशेंट आपका ज्यादा गंभीर है, इसकी स्थिति श्वास लेने में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, कहीं श्वास लेने से फेफड़े काम करना बंद ना कर दें, इसलिए इनको हमको वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा और हो सकता है उच्चतम संस्थान के लिए रेफर करना पड़े। तो मैंने कहा सर जैसा आप मुझे समझे वो काम कीजिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उन्होंने ये कहकर के ट्रीटमेंट किया और विद इन 10 मिनट बाद ही मेरे से बोल दिया, बोला हम तो इनको रेफर कर रहे हैं। तो 7:30 के बीच में उन्होंने हमको यहाँ से रेफर कर दिया और हॉस्पिटल से निकलते ही ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट के अंतराल में ही उनके स्टाफ ने बोल दिया, बोला पेशेंट इज डेड, बोला इसके अंदर कुछ नहीं है। हलेना पीएससी से पहले ही उन्होंने गाड़ी रुकवा करके चेक किया, फिर बोला यहाँ नजदीक जो चिकित्सालय हो वहाँ गाड़ी को ले चलो। हलेना ले गए, हलेना जाकर के उन्होंने जो वहाँ के स्टाफ था उससे मरीज को एम्बुलेंस के अंदर ही चेक करवाया तो वहाँ के जो स्टाफ था उन्होंने मना कर दिया, बोला सी डेड कुछ नहीं है। फिर हम उसको अपने निवास स्थान वेर ले आए और यहाँ पर आकर के उसका पोस्टमार्टम किया। ये जो सर्जन लोकेश जिंदल जी हैं उन्होंने हमारे साथ में बहुत ही बड़ी लापरवाही की और उनकी लापरवाही की वजह से आज 5 बच्चों की माँ, जिनकी 5 कन्या हैं, वो अपना इस संसार से विदा ले चुकी हैं। उनके परिवार को इस समय सहारे की प्रति आवश्यकता है। मात्र एक लोकेश जिंदल जी ने अपने निजी स्वार्थ के कारण इस प्रकार की जो हमारे साथ चीटिंग की उसकी भरपाई कौन करेगा? बच्चों के भविष्य का क्या होगा? बच्चे किसके ऊपर आधारित रहेंगे? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसका जिम्मेदार है? मैं प्रशासन से, मीडिया से ये अपील करता हूँ कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं आए दिन, बिना किसी प्रशासन की अंकुशता लगाए हुए और जो आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, व्यक्ति मौके घाट उतारे जाते हैं, उस हॉस्पिटल संचालक अथवा कोई भी चिकित्सालय उस पर तुरंत अंकुश लगाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए उनके प्रति। जिंदल हॉस्पिटल में जो पेशेंट के साथ घटना हुई है, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और सरकारी
अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, अगर इसी प्रकार की लापरवाही होती रही और मौतें होती रही तो जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और आगे इसके लिए जिला परिषद की मीटिंग में मुद्दा उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, मैं प्रशासन से इतना ही कहना चाहता हूँ।